हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एन के ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। नेक्स्ट टेस्ट है राबीज टेस्ट। लेट सिग्मा यू एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन मल्टीप्लाइड बाय यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू एल। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन मल्टीप्लाइड बाय यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, ये पूरी लिमिट जो है किसी फाइनाइट क्वांटिटी एल के इक्वल है। तो अगर यहाँ पर एल लेस देन वन है देन सिग्मा यू एन डाइवर्जेस, एल ग्रेटर देन वन देन सिग्मा यू एन कन्वर्जेस, इफ एल इक्वल टू वन देन टेस्ट फेल्स। इस टेस्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और दालेम्बर रेशो टेस्ट को रिकॉल करेंगे। तो दालेम्बर रेशो टेस्ट में हम क्या करते थे, वहाँ पर हम निकालते थे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। ओके, दालेम्बर टेस्ट में आप करते थे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, इट इज इक्वल टू एल। और वहाँ पर हम कहते थे कि अगर एल की वैल्यू वन से छोटी है या बड़ी है तो हम उसकी कन्वर्जेंस डिसाइड करते थे। जब ये क्वांटिटी वन के इक्वल आ जाती थी तो डालेम्बर्स रेशो टेस्ट फेल हो जाता था। ओके, तो इसको देखते हुए और राबीज टेस्ट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो राबीज टेस्ट है वो डालेम्बर टेस्ट का इम्प्रूवमेंट है। सपोज किसी सीरीज में डालेम्बर्स रेशो टेस्ट फेल हो जाए तो उसके तुरंत बाद राबीज टेस्ट लगाया जा सकता है। आपको क्या करना है राबीज टेस्ट में, पहले आपको दी हुई सीरीज का nth टर्म पता करना है जो कि यू एन है, उसका नेक्स्ट टर्म पता करना है यू एन प्लस वन, उनका रेशो निकालेंगे और डालेम्बर्स रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर डालेम्बर्स रेशो टेस्ट अप्लाई करने से हमें पता लग जाता है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो इट्स ओके। और अगर मान लीजिए वहाँ पर ये वैल्यू वन के इक्वल आ जाती है तो आपको फिर पहले दिस माइनस वन करके सिंप्लीफाई करना है बिना लिमिट लगाए हुए। ठीक है, जब राबीज टेस्ट लगाएंगे तो इस स्टेज पर लिमिट नहीं लगानी है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको n से मल्टीप्लाई करके फिर लिमिट लगानी है, तब हमें क्वांटिटी l मिलती है। अब अगर l लेस देन वन है सीरीज डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन वन है सीरीज कन्वर्जेंट, और अगर l इक्वल टू वन है तो राबीज टेस्ट भी फेल हो जाएगा और फिर हम अगला टेस्ट यहाँ अप्लाई करेंगे जो हम अगली क्लासेज में डिस्कस करेंगे। तो राबीज टेस्ट को समझने के लिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, 1 बाय टू प्लस 1 बाय टू इंटू 3 बाय फोर प्लस 1 बाय टू इंटू 3 बाय फोर इंटू 5 बाय सिक्स प्लस एंड सो ऑन। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने थर्ड टर्म लिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड टर्म में कोई सिंगल वैल्यू नहीं है बल्कि ये तीन नंबर्स का प्रोडक्ट है। सेकेंड टर्म में ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, फर्स्ट टर्म एक अकेला नंबर है या अकेला एक टर्म है। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि जनरल टर्म यू एन, देखिए न्यूमरेटर में है वन इंटू थ्री इंटू फाइव यानी कि सारे ऑड नंबर्स हैं, तो वन इंटू थ्री इंटू फाइव ऐसे चलते चलते आपके पास nth ऑड नंबर आएगा टू एन माइनस वन, और डिनोमिनेटर में टू इंटू फोर इंटू सिक्स इस तरह से चलते हुए nth इवन नंबर आ जाएगा 2n। ओके, दिस इज यू एन, यू एन प्लस वन, दिस इज इक्वल टू वन इंटू थ्री इंटू फाइव टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन। जब आप यहां पर n की जगह n प्लस वन रखेंगे तो 2n प्लस टू माइनस वन यानी कि 2n प्लस वन मिलेगा, डिवाइडेड बाय 2, 4, 6 टू एन इंटू टू एन प्लस टू। पहले मैं इस पर डालेम्बर्स टेस्ट लगाने की कोशिश करता हूं।
इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सारे टर्म्स यहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे और इसी तरह ये भी सारे टर्म्स यहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 2n+2 जो कि ऊपर चला जाएगा अपॉन 2n+1। ओके, 2n+2 डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर है इसलिए बिल्कुल ऊपर जाएगा। सो 2n+2 अपॉन 2n+1, दोनों में से 2n कॉमन ले लेंगे। और जब आप आगे इस पर अब लिमिट लगाएंगे, अगर डालेम्बर्ट्स टेस्ट लगाते हैं अगर आप इस पर डालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाएंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1, यहाँ से लिमिट यहाँ लग जाएगी, क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, 1+2 अपॉन इन्फिनिटी जो कि 0 है, यहाँ पर रह गया 1, फिर नीचे 1+1 अपॉन इन्फिनिटी ये भी 0 है, 1 रह गया, तो कुल मिलाकर के लिमिट की वैल्यू आ गई 1। इट मीन्स डालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो गया। नाउ बाय राबीज टेस्ट, तो राबीज टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपको पहले निकालना होगा un अपॉन un+1-1, दैट इज un+2 अपॉन 2n+1-1। सिंप्लीफाई दिस, and we get 1 upon 2n plus 1. Therefore, limit n tends to infinity, n multiplied by un upon un plus 1 minus 1 is equal to limit n tends to infinity, n upon 2n plus 1. ये वाला n, ये रहा, और ये पूरी जो क्वांटिटी है दैट इज 1 अपॉन 2n+1। सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे से n कॉमन ले लिया, n से n कैंसिल, यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन 2 हाफ, जो कि 1 से छोटी क्वांटिटी है। तो फर्स्ट केस हो गया, व्हेन l इज लेस देन 1 देन सीरीज इज डाइवर्जेंट, सो दिस इज हाफ यानी कि लेस देन 1, देयरफॉर सिग्मा यू एन, सिग्मा यू एन इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। टॉपिक है लॉगरिथमिक सीरीज, सपोज सिग्मा यू एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स such that limit n tends to infinity n into log un upon un plus 1 equal to l. Now if l is greater than 1 then series converges, if l is less than 1 series diverges, and if l is equal to 1 this test will fail. Okay, last classes में हमने discuss किया था डालेम्बर्ट्स ratio test के बारे में, वहां पर भी हम un और un plus 1 का ratio लेते थे और उसकी limit निकालते थे, जो भी वो limit आती थी उसकी value के according हम कहते थे कि वो series convergent है या divergent है। तो वहां पर हमने देखा था कि if un अपॉन यू एन प्लस 1 या आपने रेशियो निकाला और उस रेशियो का आपने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकाल के उसको l के इक्वल कहा, जब l ग्रेटर देन 1 होता था तो सीरीज कन्वर्ज होती थी,
एल लेस देन वन होता था डाइवर्ट सीरीज होती थी, और जब एल वन के इक्वल होता था तो टेस्ट फेल हो जाता था। तो रेशो टेस्ट के फेल होने पर हमने नेक्स्ट राबी टेस्ट के बारे में पढ़ा, ओके, और आज हम बात कर रहे हैं लॉगरिथमिक सीरीज की या लॉगरिथमिक टेस्ट की। तो इसमें हमें क्या करना है, निकालना वही रेशो है यू एन अपॉन यू एन प्लस वन निकाल के उसका लॉग लेके और एन से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसकी लिमिट लेनी है। सपोज आपका यहां पर डालेम्बर्स टेस्ट फेल हो जाता है तो डालेम्बर्स टेस्ट के बाद आपको राबी टेस्ट अप्लाई ना करके लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना चाहिए, बशर्ते ये जो लिमिट आपकी निकल रही है उस लिमिट के अंदर अगर ई, आप जानते हैं ई क्या होता है, अगर इस लिमिट के अंदर यू एन अपॉन यू एन प्लस वन के अंदर अगर ई टर्म आ रही हो तब हमें वहां पर राबी टेस्ट लगाने के बजाय लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना चाहिए। तो हमने बात की यहां पर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन इंटू लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल टू एल, इफ एल इज ग्रेटर देन वन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, इफ एल इज लेस देन वन सीरीज विल बी डाइवर्जेंट, एंड इफ एल इक्वल टू वन देन टेस्ट विल फेल एंड वी हैव टू अप्लाई अनदर टेस्ट, जिसकी हम अभी कुछ देर में बात करेंगे। इस टेस्ट को समझने के लिए हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है। सीरीज इस तरह से है, वन प्लस एक्स बाय टू प्लस फैक्टोरियल टू अपॉन थ्री स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल थ्री अपॉन फोर क्यूब एक्स क्यूब प्लस फैक्टोरियल फोर अपॉन फाइव पावर फोर एक्स पावर फोर एंड सो ऑन। दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज, ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। नाउ वी स्किप द फर्स्ट टर्म, हमने पहली टर्म को स्किप कर दिया, क्यों किया, बिकॉज इस फर्स्ट टर्म की वजह से हमें इस सीरीज का जनरल टर्म नहीं मिल पा रहा है। तो सीरीज का जनरल टर्म निकालने के लिए हमने फर्स्ट टर्म को स्किप कर दिया है। स्किपिंग द फर्स्ट टर्म वी गेट, अगर आप इसकी फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे तो आगे के टर्म्स को देखने पर आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि जनरल टर्म यू एन इज इक्वल टू, अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर वन है, सेकेंड टर्म में एक्स की पावर टू है एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आपने लिख दिया एक्स पावर एन, ओके। नाउ फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में टू है, या आप कह सकते हैं कि टू पावर वन है, ओके, फर्स्ट टर्म में टू पावर वन, सेकेंड टर्म में थ्री पावर टू, मतलब जो टर्म है उससे एक ज्यादा, यानी कि अगर nth टर्म की बात हो रही है तो नीचे आ जाएगा n प्लस वन, n प्लस वन और उसकी पावर लगेगी n, दिस इज डिनोमिनेटर। और ऊपर क्या है, सेकेंड टर्म में टू फैक्टोरियल आ रहा है, थर्ड टर्म में थ्री फैक्टोरियल, फोर्थ टर्म में फोर फैक्टोरियल, इट मींस nth टर्म में n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसका ये जनरल टर्म बना दिया, यू एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n प्लस वन रेस टू द पावर n x पावर n। सिमिलरली यू एन प्लस वन, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन n प्लस टू रेस टू द पावर n प्लस वन एक्स पावर एन प्लस वन। नाउ यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, इन दोनों का आपस में रेशो निकालेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन पावर एन एक्स पावर एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस टू रेस टू द पावर एन प्लस वन एक्स पावर एन प्लस वन, जिससे आपको मिल जाएगा ये n फैक्टोरियल और नीचे n प्लस वन फैक्टोरियल है, सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे n प्लस वन बचेगा, ये वाला n प्लस वन टू दी पावर n ऑलरेडी है तो ये हमें मिल जाएगा इस तरह से n प्लस वन रेज टू दी पावर n प्लस वन, और ये जो टर्म है n प्लस टू रेज टू दी पावर n प्लस वन ये न्यूमरेटर में जाएगा, एक्स पावर एन अपॉन एक्स पावर एन प्लस वन, तो नीचे हमारे पास इस तरह से वन अपॉन एक्स रह जाएगा, ओके। नाउ लिमिट लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इट इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन होल टू द पावर एन प्लस वन इंटू वन अपॉन एक्स। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी,
आप ऐसा लिख सकते हैं n प्लस टू अपॉन n प्लस वन, इसे सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, पावर n प्लस वन है, एक बार सेपरेट कर लिया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस टू अपॉन n प्लस वन टू द पावर n यहां पर और n यहां पर, साथ में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। यहां से n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लेके ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे, तो 1 प्लस टू बाई एन अपॉन 1 प्लस वन बाई एन, एन टेंस टू इंफिनिटी पुट करने पर ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, 1 इंटू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, नाउ दिस इज व्हाट, n कॉमन ले लिया आपने, तो 1 प्लस टू बाई एन होल पावर n, n टू द पावर n, नीचे भी n टू द पावर n, 1 प्लस वन अपॉन n होल पावर n इंटू वन बाय एक्स, ये कैंसिल हो गए, ये स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, इसे आप लिख देंगे e स्क्वायर, नीचे आपने लिख दिया e इंटू वन अपॉन एक्स, यानी कि कुल मिलाकर के आपके पास बच गया e अपॉन एक्स। नाउ बाय डालेम्बर्स रेशियो टेस्ट, व्हेन e अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन वन, e अपॉन एक्स आपको मिला है, अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन वन है, यानी कि e ग्रेटर देन एक्स है, तो आपकी सीरीज हो गई C means convergent, और अगर e upon x less than वन है तो यह हो जाएगा e less than x, यानी कि सीरीज हो जाएगी divergent, okay? और थर्ड केस में जब e upon x equal to वन होगा, if e upon x equal to वन, if e upon x equal to वन means when x is equal to e, then ratio test will fail. Okay, अब ये ratio test fail हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यहां पर x e के equal आ रहा है, means limit के अंदर e का term आ गया, तो हमें Rabi test लगाने के बजाय logarithmic test लगाना चाहिए. Now by log test, क्या करना होता है लॉग टेस्ट में, आपको लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, इसे मल्टीप्लाई करेंगे एन से और इसकी लिमिट लेंगे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, ओके, दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। यहां देखते हैं एक बार फिर से, अगर हम केवल यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की बात करें तो हमें यह क्वांटिटी मिलती है, this one un upon un plus 1 is equal to n plus 2 upon n plus 1 to the power n plus 1, log of n plus 2 upon n plus 1 whole to the power n plus 1 into 1 upon x, 1 upon x, और x किसके इक्वल है, x e के इक्वल है, तो यहां पर आपने e ले लिया, क्लोज दिस, बाहर आप n लिख देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये जो पावर n प्लस वन है ये बाहर आ जाएगा, n को बाहर रखा, n प्लस वन लॉग n प्लस टू माइनस n प्लस वन लॉग n प्लस वन माइनस e, वन अपॉन e, तो ये आपका हो जाएगा log e, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस वन log, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, दोनों में से आपने n कॉमन ले लिया और इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस टू बाई एन माइनस एन प्लस वन लॉग एन, जो आपने यहां से एन कॉमन लिया होगा, माइनस नहीं प्लस आएगा यहां पर, जब आप एन कॉमन लेंगे तो लॉग एन इंटू वन प्लस टू बाई एन, अलग अलग कर दिया आपने प्रोडक्ट रूल से, और सिमिलरली यहां पर माइनस एन प्लस वन लॉग वन प्लस वन बाय एन माइनस
एन प्लस वन लॉग एन माइनस वन, लॉग ई की वैल्यू वन हो जाएगी, और बाहर एक एन ऑलरेडी है तो हमें मिल जाता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन को बाहर रखेंगे, एन प्लस वन लॉग वन प्लस टू बाई एन, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, लॉग वन प्लस टू बाई एन को सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा टू बाई एन माइनस वन अपॉन टू फोर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री एट अपॉन एन क्यूब माइनस सो ऑन प्लस एन प्लस वन। ये एन प्लस वन लॉग एन और माइनस एन प्लस वन लॉग एन को आप कैंसिल कर सकते हैं और यहां पर आ जाएगा माइनस एन प्लस वन लॉग ऑफ वन प्लस वन बाय एन। तो ये बच गया आपके पास वन बाय एन माइनस वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन एन क्यूब माइनस एंड सो ऑन, और लास्ट में एक माइनस वन भी बचेगा, ये वाला माइनस वन माइनस वन। इसे सिंप्लीफाई करके आप ऐसा लिख सकते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन दोनों ब्रैकेट्स में से एन प्लस वन कॉमन ले सकते हैं, एन ऑलरेडी बाहर है, एक एन बाहर है एक एन प्लस वन हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, और अंदर हमारे पास बचेगा टू अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन, टू अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन दैट इज वन अपॉन एन, देन माइनस 2 by n square and this is plus 1 upon 2 n square minus 2 by n square plus half n square। तो इसे simplify करके हम लिख सकते हैं minus 3 upon 2 n square, and similarly ये 1 by 3 common हो गया plus 1 by 3 8 upon n cube minus 1 upon n cube, तो ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन एन क्यूब 7 अपॉन 3, और ये एन क्यूब डिनोमिनेटर में आएगा इनफाइनाइट तक चलेगा ये माइनस 1। सबको सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन को बाहर रहने देंगे एन प्लस वन से इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एन अपॉन एन प्लस वन बाय एन, ओके दिस इज एन अपॉन एन यानी कि ये वन हो जाएगा प्लस वन बाय एन माइनस थ्री अपॉन टू एन से एन स्क्वायर, तो नीचे एन रहेगा माइनस थ्री अपॉन टू एन स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 3, दिस विल बी 7 अपॉन 3 एन क्यूब से जब n मल्टीप्लाई होगा ये बचेगा नीचे n स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 3 एन क्यूब एंड सो ऑन, और लास्ट में एक माइनस वन और आएगा, ओके तो ये जो n बाय n है ये प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि अंदर जितनी भी टर्म्स हमें नजर आ रही हैं उन सब में एटलीस्ट हमारे पास एक टर्म वन अपॉन एन की बची हुई है। इस वन अपॉन एन की वजह से इस एन से मल्टीप्लाई होने पर वन आएगा माइनस थ्री बाय टू, ये भी कैंसिल हो जाएंगे वन अपॉन एन माइनस थ्री बाय टू एन, इससे भी कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस थ्री बाय टू यहां बचेगा एन प्लस सेवन अपॉन थ्री एन सेवन अपॉन थ्री एन स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, मींस ये वाले स्टार्टिंग के दो टर्म्स हैं वन माइनस थ्री बाय टू,
ये दोनों विदाउट एन है और आगे के सभी टर्म्स में डिनोमिनेटर में एन आ रहा है, तो जब आप एन टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट यहां लगाएंगे, समथिंग अपॉन इंफिनिटी ये जीरो हो जाएगा, 7/3 नीचे इंफिनिटी ये भी जीरो, और आगे के सभी टर्म्स जीरो हो जाएंगे। हमारे पास रह गया 1 - 3/2 यानी कि माइनस हाफ, 1 - 3/2 दैट इज माइनस हाफ, और माइनस हाफ का मतलब ये लेस देन 1 है, इट मींस ये सीरीज कैसी हो गई, सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो इस तरह से डलेम्बर रेशियो टेस्ट फेल होने पर लॉगरिथमिक टेस्ट से हम सीरीज की कन्वर्जेंस को डिसाइड कर सकते हैं। लॉगरिथमिक टेस्ट लगाने के लिए हमने देखा कि डलेम्बर टेस्ट के बाद लास्ट में ई अगर बचता है या ई की कोई टर्म बचती है तो राबे टेस्ट लगाने के बजाय लॉगरिथमिक टेस्ट लगाया जा सकता है। नेक्स्ट टेस्ट इज गॉस टेस्ट। लेट सिग्मा यू एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स such that un upon un plus 1 can be expanded as 1 plus alpha upon n plus beta upon n square and so on। मान लीजिए कि आपके पास जो सिग्मा un है इनफाइनाइट टर्म्स की और पॉजिटिव टर्म्स की एक ऐसी सीरीज है जिसके लिए un अपॉन un प्लस 1 को एक्सपेंड करके इस तरह की कोई सीरीज बनाई जा सकती है, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाय एन प्लस बीटा इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर एंड सो ऑन, देन सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर अल्फा की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होती है तो यह सीरीज डाइवर्जेंट हो जाती है, एंड कन्वर्जेंट इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1। तो इसकी कंडीशंस को देख के पता लग रहा है कि आमतौर पर यह गॉस टेस्ट कभी फेल नहीं होता। शर्त इतनी सी है कि un अपॉन un प्लस 1 का इस तरह की सीरीज में एक्सपेंशन पॉसिबल होना चाहिए, ओके? और क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं कि रेशियो लिया हुआ है तो गॉस टेस्ट कब अप्लाई करते होंगे, पहले हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तो गॉस टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है, और गॉस टेस्ट जनरली फेल नहीं होता, लेकिन सीरीज इस तरीके से एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। अगर सीरीज इस तरह से एक्सपेंड हो सकती है तो 1 अपॉन एन का जो कोफिशियंट है अल्फा, उसे देख के हम डिसीजन कर सकते हैं कि यह सीरीज डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, और अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यह सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ओके? तो इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। सीरीज इस तरह से है, 1² / 2² + 1² * 3² + 1² * 3² * 4² + 1² * 3² * 5² + 1² * 4² * 6² + so on। तो इसको देख करके इजीली हम इसका जनरल टर्म बना सकते हैं, यू एन इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में ऑड टर्म्स के स्क्वायर्स हैं, 1² * 3² * 5², अगर nth टर्म की बात करें तो nth ऑड नंबर इज 2n-1, सो 1² * 3² * 5² up to 2n-1 whole square, और नीचे क्या है, नीचे इवन नंबर्स हैं, 2² * 4² * 6² up to 2n square, ये हमारा जनरल टर्म un हो गया। नाउ un + 1 इसी तरह से चलेगा, ये भी 1² * 3² * 5² * 2n-1² and 2n + 1² अपॉन 2² * 4² * 6² * 2n² * 2n + 2 whole square। देयरफोर un अपॉन un + 1 दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इजिली हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में इतने टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, 2n + 1 whole square नीचे बचेगा, एंड सिमिलरली दिस अपॉन दिस ये कैंसिल हो जाएंगे और 2n + 2 whole square न्यूमरेटर में रह जाएगा।
आपने यहां से और यहां से 2n कॉमन ले लिया, बाहर निकाला, स्क्वायर लगाया, तो 4n स्क्वायर ऊपर आएगा, 4n स्क्वायर नीचे आएगा, कैंसिल होकर आपके पास बच गया 1 प्लस 2 अपॉन 2n होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन 2n होल स्क्वायर। अगर मैं इसकी लिमिट लगाता हूं डेलेम्बर टेस्ट लगाने के लिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 बाय 2n होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 बाय 2n होल स्क्वायर, तो यहां पर मैंने रखा इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी 0, नीचे भी 1 बाय इंफिनिटी 0, दैट इज 1। यानी कि डालेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल्स। ओके, हम चाहें तो इस पे एक बार राबी टेस्ट लगा के देख सकते हैं। राबी टेस्ट में हमने क्या देखा था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी नाउ un अपॉन un प्लस 1, ये हमें मिल गया था 2n प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, ये मैंने n बाहर लिख दिया है। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n। सिंप्लीफाई दिस, ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, 8n माइनस 4n दैट इज 4n एंड 4 माइनस 1 दैट इज 3 अपॉन 2n प्लस 1 होल स्क्वायर, एक n ऑलरेडी साथ में है, तो इस n को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 3n। न्यूमरेटर से 4n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बच गया 1 प्लस 3 अपॉन 4n, और डिनोमिनेटर में भी 2n कॉमन लेंगे आप तो वो स्क्वायर होकर के 4n स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 2n होल स्क्वायर, ये कैंसिल होंगे, n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे 3 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया, 1 अपॉन इंफिनिटी ये भी 0 हो गया, तो फाइनली क्या रह गया हमारे पास, फिर से हमें मिल गया 1। तो इसका मतलब राबी टेस्ट भी यहां पर फेल हो गया, रेशियो टेस्ट फेल्स, राबी टेस्ट फेल्स। नाउ वी विल अप्लाई गॉस टेस्ट। गॉस टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि सीरीज 1 प्लस अल्फा बाय एन प्लस बीटा बाय एन स्क्वायर एंड सो ऑन बन सकती है या नहीं, तो एक बार हम उसे चेक करेंगे। बाय गॉस टेस्ट यूएन अपॉन यूएन प्लस 1, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 दैट इज 2n प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1 होल पावर माइनस 2। इसे हमने न्यूमरेटर में ले लिया, पावर नेगेटिव हो गई, 2n प्लस 2 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n, और ये जो 2n प्लस 1 पावर माइनस 2 है इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1 प्लस 2n पावर माइनस 2। ओके, तो इससे आपको क्या मिलेगा, एक्सपेंड करेंगे 1, लेकिन इस तरीके से एक्सपेंशन करने पर हमारे पास n की पावर्स नेगेटिव नहीं हो पाएंगी, एक्चुअली हमें 1 अपॉन n, 1 अपॉन n स्क्वायर टाइप से चाहिए, इसलिए ये पावर्स नेगेटिव नहीं हो पाएंगी। तो यहां पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, और वो चेंज इस तरह से करेंगे कि
अगर मैं यहां से 2n कॉमन ले लेता हूं, 2n पावर माइनस 2, 2n प्लस 2 होल स्क्वायर, देन इट बिकम्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2n होल पावर माइनस 2। ठीक है, इसे आपने लिख दिया 1 अपॉन 4n स्क्वायर, 2n पावर माइनस 2 है तो 1 अपॉन 4n स्क्वायर, और इसे हमने एक्सपेंड किया था तो एक्सपेंड करने पर हमें मिला था 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n और 1 प्लस 1 अपॉन 2n होल पावर माइनस 2। इसे आप ओपन करेंगे, 1 माइनस 2 इंटू 1 बाय 2n एन प्लस सो ऑन। ठीक है, इसका एक्सपेंशन हमने कैसे किया है वो मैं आपको समझा देता हूं। बाइनोमियल एक्सपेंशन हम पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में, 1 प्लस एक्स पावर माइनस एन, 1 प्लस एक्स पावर माइनस एन, तो ये हो जाता है 1 माइनस एन एक्स प्लस एन, एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर माइनस सो ऑन। अब हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, 2, तो 1 माइनस 2 और एक्स की जगह हमारे पास है 1 बाय 2 एन, देन प्लस एन, एन इज 2, तो ये मैंने ले लिया यहां पर 2 इंटू एन प्लस 1 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 यानी कि फिर से 2 आ जाएगा, इसे मैं लिख देता हूं 2 इंटू 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर हो गया 1 अपॉन 4 एन स्क्वायर, फिर माइनस एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी क्योंकि पावर नेगेटिव है तो ये चलता रहेगा। 1 अपॉन 4 एन स्क्वायर हमने अंदर ले लिया, ये हो जाएगा 1, 4 बाय 4 कैंसिल, 1 अपॉन एन स्क्वायर, 8 बाय 4 दैट इज 2 और नीचे एक एन बचेगा, यहां पर 1 माइनस 1 बाय एन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 अपॉन 4 एन स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इनका प्रोडक्ट करेंगे और देखते हैं प्रोडक्ट करने पर क्या आता है। वन प्लस वन बाय एन स्क्वायर प्लस टू बाय एन, माइनस वन अपॉन एन को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन अपॉन एन, माइनस वन अपॉन एन क्यूब, माइनस टू अपॉन एन स्क्वायर, थ्री बाय फोर एन स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस थ्री अपॉन फोर, नीचे एन स्क्वायर, प्लस 3 अपॉन 4 एन पावर 4, प्लस 6 अपॉन 4 एन क्यूब एंड सो ऑन। हमने हमारी सुविधा के लिए सबसे पहले 1 ले लिया, फिर 2 बाय एन माइनस 1 बाय एन, तो ये रह गया 1 अपॉन एन, और यह है 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एन स्क्वायर 3 अपॉन 4 एन स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एन स्क्वायर दैट इज माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 3 बाय 4 तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 4 एन स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसे मैंने गॉस टेस्ट के जो ये सीरीज है इसके साथ कंपेयर किया, 1 1 अल्फा, 1 बाय एन का कोफिशियंट अल्फा, और मेरे पास 1 बाय एन का कोफिशियंट है 1 यानी कि अल्फा की वैल्यू हो गई 1, और 1 अपॉन एन स्क्वायर का कोफिशियंट हमारे पास है माइनस 1 अपॉन 4, यहां पर है बीटा यानी कि बीटा की वैल्यू हो गई माइनस 1 अपॉन 4। ओके, तो अल्फा की वैल्यू 1 होने की वजह से गॉस टेस्ट से पता लगता है कि यह सीरीज डाइवर्जेंट है। देयरफोर
बाय गॉस टेस्ट, सीरीज इज डाइवर्जेंट।